स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के नए वीडियो में। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभिक्रिया वेग एवं स्टोइकोमेट्री संबंध, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अपन औसत वेग तात्कालिक वेग है उसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। इसके बारे में भी आपको जो एक छोटा सा जो है आपका सूत्र बताया था डेरिवेशन के किस प्रकार से किया जाता है, कुछ बच्चों ने वो जो है वहां पर जो है पूछा था और उसका आंसर भी दिया था आपने। अभिक्रिया वेग एवं स्टोइकोमेट्री संबंध यानी कि उस टॉपिक को अपन अब विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आपके बनेंगे, हालांकि वो पीछे की वीडियो में आपको एक या दो उदाहरण उसके करवाए थे, तो अभी उदाहरण कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक की बात हो रही है। तो अभिक्रिया वेग एवं स्टोइकोमेट्री संबंध, स्टोइकोमेट्री गुणांक यानी कि रस समीकरण मितीय गुणांक, जो भी अपन अभिक्रिया है उसके आगे जो है उसके कितने मोल अपन ले रहे हैं या जो उसके अंक आगे लगे रहते हैं किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के आगे, वो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक होते हैं, जो उसके मोलों की संख्या को ऐसे मान सकते हैं उसको बताते हैं। तो अभिक्रिया वेग और स्टोइकोमेट्रिक गुणांक में संबंध है तो अपन जानते हैं अगर कोई अभिक्रिया संतुलित है, अपन लिखते हैं यदि कोई अभिक्रिया संतुलित है तो अभिकारक की घटती सांद्रता एवं उत्पाद की बढ़ती सांद्रता, यानी कि क्या है, यदि कोई अभिक्रिया क्या है संतुलित है तो अभिकारकों की जो है घटती सांद्रता और जो है उत्पाद की बढ़ती सांद्रता, इनको जो है इनका जो है ये जो है अभिक्रिया के वेग के क्या होते हैं आपके समानुपाती हैं। ये चीज तो अपन ने समझा। अब अपन क्या करते हैं, अभिक्रिया संतुलित है तो अभिकारकों में और जो आपके उत्पादों की स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है वो समान होंगे, यानी कि यदि कोई अभिक्रिया संतुलित है तो अभिकारक की घटती सांद्रता है और उत्पाद की बढ़ती सांद्रता है वो अभिक्रिया वेग के बराबर होगी, अभिक्रिया वेग के समान होती है तथा अभिकारकों तथा उत्पादों के स्टोइकोमेट्री गुणांक समान हो तो निम्न संबंध होगा, निम्न संबंध स्थापित होगा। देखो क्या लाइन है, लाइन को दोबारा से पढ़ना है। यदि कोई अभिक्रिया संतुलित है, यानी कि अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, यानी कि अभिक्रिया इस तरफ जितने आपके किसी भी तत्व के या परमाणु के जितने परमाणु इस तरफ है सामने की तरफ भी उतने ही होने चाहिए। ये अभिक्रिया संतुलित किस प्रकार से होती है ये चीजें पीछे की क्लासों में आप सीख के आए हो। यदि कोई अभिक्रिया संतुलित है यानी कि इक्वल है तो अभिक्रिया की घटती सांद्रता एवं उत्पाद की बढ़ती सांद्रता है वो उस अभिक्रिया वेग के क्या होती है समान होती है, यानी कि अभिक्रिया वेग के क्या होती है बराबर, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारक की घटती सांद्रता और उत्पाद की बढ़ती सांद्रता ये सारे आपस में क्या होंगे बराबर होते हैं, यानी कि समान होते हैं। इसी प्रकार से ये कब होगा, जब आपके साथ में अगर मान लो ये तो बराबर है साथ में अभिकारक और जो उत्पाद है उनके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक जो है अगर समान है तो क्या संबंध बनेगा उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो पहले इसका एक जनरल एग्जांपल लेते हैं अपन, जो है ए प्लस बी से सी प्लस डी, अपने पास में एक अभिक्रिया है ए प्लस बी से सी प्लस डी। यहां पर ए प्लस बी क्या है आपका अभिकारक हो गया और सी और डी आपके यहां पर क्या हो गए उत्पाद हो गए, यानी कि वही अभिक्रिया है इसमें ए प्लस बी से सी प्लस डी अपने को है आपका यहां पर प्राप्त हो रहा है। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया जो वेग अपन लिखते हैं अभिक्रिया का वेग अपन किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं तो अपन जानते हैं अभिक्रिया में अपन देखते हैं अभिकारक की सांद्रता क्या होती है आपकी घटती है और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है बढ़ती है। तो अभिकारक की घटती सांद्रता के लिए अपन आगे उस चिन्ह किसका लगा देते हैं माइनस का, ये चीज आपको बताई थी। तो ये अपन लिखाते हैं डी अपॉन का डी टी, यानी कि सांद्रता है
कौन से अभिकारक की बात कर रहा हूं मैं आपका, यहां पर ए अभिकारक की है, तो यहां पर क्या हो जाएगा डी ए अपॉन का क्या हो जाएगा डी टी, यानी कि जो है उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन आया है, डी अपॉन का डी टी क्या सूक्ष्म परिवर्तन को बता रहा है, डी टी का मतलब सूक्ष्म समय अंतराल और बड़ा कोष्ठक का मतलब है सांद्रता, कौन आ रहा है अंदर ए, इसका मतलब किसकी सांद्रता होगी ए की सांद्रता में ये परिवर्तन हुआ, लेकिन अपन जानते हैं ए अभिकारक इसकी सांद्रता घटती है, इसलिए आगे चिन्ह किसका लगा दिया माइनस का, ये बराबर होगी इसकी सांद्रता जो अभिकारक की सांद्रता है, दूसरा अभिकारक कौन है db अपॉन का dt, इसके लिए भी वही तरीका रहेगा और चिन्ह इसके लिए भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो अभिकारक की घटती सांद्रता, अभिकारक कौन थे a और b, d अपॉन का dt सांद्रता में परिवर्तन बटा लिया गया जो है समय, तो यहां पर सांद्रता में अपन मानते हैं सूक्ष्म परिवर्तन है, तात्कालिक वेग में बताया था ये सूक्ष्म समय अंतराल है, तो सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लिया गया समय, अभिकारक की सांद्रता घट रही है इसलिए चिन्ह किसका लगा देंगे माइनस का, दूसरा अभिकारक कौन है बी, तो डीबी अपॉन का डीटी, तो इसके अभी आगे चिन्ह किसका लग जाएगा माइनस का, ये बराबर होगी उत्पाद की बढ़ती सांद्रता, तो उत्पाद क्या है आपका डी सी है, तो ये डी सी अपॉन का डीटी, इसके आगे अपने को माइनस का चिन्ह नहीं लगाना है, क्यों उत्पाद है, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ या वेग के साथ क्या होती है बढ़ती जाती है, ये बराबर होगा किसके डी डी अपॉन का डीटी, तो ये अपन है इस प्रकार से जो है ये अभिक्रिया का वेग है इस समीकरण के लिए अपन ने ज्ञात किया, किसके लिए ए प्लस बी से सी प्लस डी के लिए अपन ने जो है इस अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया का वेग और उनकी अभिकारक तथा उत्पाद की जो है घटती सांद्रता और बढ़ती सांद्रता के रूप में अपन ने स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है उनके बीच में संबंध है स्थापित किया, अब स्टोइकोमेट्रिक गुणांक यहाँ पर कैसे संबंध स्थापित करने का मतलब क्या हुआ कि कुछ नहीं दे रखा इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना है एक, यहाँ पर भी एक होगा, यहाँ पर भी एक हो गया और यहाँ पर भी एक, तो एक को अपन यहां पर दर्शाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, अब देखो इसका अपन एग्जांपल लेते हैं, इस नीचे वाले को मैं यहां पर मिटा रहा हूं, इसका एग्जांपल लेते हैं जिसकी सहायता से अपन है इसको और अच्छे से करते हैं, कोई जो है या फिर इससे जो है एक बार स्टोइकोमेट्रिक जो संबंध है इसका जो है अगर जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समान है, बाकी तरीका ये रहेगा यदि कोई अभिक्रिया संतुलित अभिकारक की घटती सांद्रता उत्पाद की बढ़ती सांद्रता अभिक्रिया वेग के क्या होती है समान होती है, अब अपने को क्या करना है अगर मान लो आपका क्या है स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है वो समान नहीं हो, यानी कि ये तो पहली कंडीशन मान लो, दूसरी कंडीशन में क्या होगा ये सेम चीज है वो आपकी क्या हो यहां पर क्या लिख देते हैं समान नहीं हो, नहीं हो तो निम्न संबंध स्थापित होगा, यानी कि स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समान नहीं हो तो आपका किस प्रकार से संबंध है वो बनता है, तो उसके लिए अपन एक अभिक्रिया लेते हैं, अपने पास में अभिक्रिया क्या है ए प्लस का बी बी से सीधा ले लेते हैं यहां पर सी सी प्लस का क्या हो गया डी और डी, अपने पास में यह अभिक्रिया आपकी दे रखी है निम्न अभिक्रिया दे रखी है, ध्यान क्या रखना है पहली कंडीशन तो यह है अगर स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समान है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं सीधा लिख देते हैं, अगर मान लो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक बाकी लैंग्वेज यही रहेगी यहां पर क्या कर देंगे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समान नहीं है तो उस स्थिति में देखो क्या संबंध आपका बनेगा, तो इसके लिए इस समीकरण के लिए अपन क्या संबंध बनाते हैं, तो इस समीकरण के लिए अपन क्या देखते हैं यहां पर अपन अभिक्रिया लिखी है तो इसके लिए अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग को ध्यान देना आर से भी प्रदर्शित किया जाता है, इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है, फिर आगे भी और भी टॉपिक आएगा अभिक्रिया वेग स्थिरांक इनके न्यूमेरिकल भी आएंगे तो वो सारी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तो अभिक्रिया वेग है अभिक्रिया वेग बराबर, अब अभिक्रिया का वेग है वो किसके बराबर होता है अभिकारक की जो है घटती सांद्रता और उत्पाद की बढ़ती सांद्रता, अभिकारक की घटती सांद्रता का मतलब क्या है अभिकारक की सांद्रता है घट रही है इसका मतलब ऐसे टूट रहे हैं ऐसे बोल सकते हैं कि अभिकारक है वो टूट रहा है और अभिकारक टूट के क्या बना रहा है उत्पाद बना रहा है इसका मतलब उस अभिक्रिया में क्या हो रहा है
अभिकारक है वो टूटता है और अभिकारक के टूटने से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ऐसे बोल सकते हैं कि अभिकारक का टूटना बराबर होगा उत्पाद का बनना। अभिकारक के टूटने की दर किसके बराबर होगी, उत्पाद के बनने की दर। तो टूटने को अपने विघटन भी बोल सकते हैं और जो है आपका हास यानी कि कमी भी बोल सकते हैं, या वृद्धि बनने को अपन वृद्धि भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें अभी अपन इनके एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। तो अभिक्रिया का वेग यानी कि अब आप देखो यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है अलग अलग हो गया। इस अभिकारक के लिए स्टोइकोमेट्रिक गुणांक स्मॉल ए जिसका कुछ मान रहा होगा एक दो कितना भी हो सकता है। इस अभिकारक बी के लिए, अभिकारक बी के लिए स्टोइकोमेट्रिक गुणांक स्मॉल बी। अब स्मॉल बी का मान एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, इसके समान भी हो सकता है, इससे अलग भी हो सकता है। अब ये जैसे एग्जांपल आएंगे वहां पर अपन समझेंगे। पहले वाले अभिक्रिया में क्या था, पहले वाले अभिक्रिया में अपना सीधा था, पहली कंडीशन में ए प्लस बी से क्या था सी प्लस डी। इस अभिकारक के लिए भी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक एक, इसके लिए भी एक, इसके लिए भी एक, सभी के लिए स्टोइकोमेट्रिक गुणांक क्या था एक था। लेकिन यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक गुणांक देखो क्या है अलग अलग, इसका कुछ मान आएगा, इसका कुछ मान अलग होगा, इसका मान अलग होगा, इसका मान अलग होगा, इन दोनों का मान समान हो सकता है इस और इसका मान, लेकिन सारे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है वो समान नहीं होंगे। क्यों, सारे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समान होंगे तो पहले वाले कंडीशन के अनुसार अपन अभिक्रिया वेग का समीकरण बना देंगे। यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समान नहीं है तो उस स्थिति में देखो इस अभिक्रिया का वेग का जो है क्या करते हैं, जब स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समान नहीं हो तो जो स्टोइकोमेट्रिक, जब भी अपन समीकरण लिखते हैं तो जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक होता है उसका क्या लगा दिया जाता है, उसमें भाग लगा दिया जाता है। यानी कि जब स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समान नहीं है तो जिस अभिकारक के अपन बनने की दर या सांद्रता दर्शा रहे हैं उसके आगे जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है उसका क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। पहले इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, फिर लैंग्वेज के बाद में अपन आते हैं यहां पर आगे इस प्रकार से। तो अभिक्रिया वेग बराबर एक बटा ए, मैंने क्या लगा दिया, जो स्टोइकोमेट्रिक जिस अभिकारक के लिए या जो भी आपका यहाँ पर देखा है ये अभिकारक है ये उत्पाद है, तो इनके आगे जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक बी के आगे स्मॉल बी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक, सी के आगे स्मॉल सी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक, तो इस स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का आगे क्या लगा देते हैं जो है ये भाग में आ जाता है। अब अपन जानते हैं पहले लैंग्वेज देखो इस प्रकार से लिखने ये न्यूमेरिकल करते हैं तो आसान रहेगा। एक बटा ए स्टोइकोमेट्रिक गुणांक को मैं किस में लेके आ गया, भाग में। अब ए क्या है, अभिकारक है और अपन जानते हैं अभिकारक की सांद्रता घटती, इसका मतलब अभिकारक है वो क्या होता है टूटता है, तो इसका मतलब ए क्या होगा, ए का विघटन होगा। तो अपन यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए के विघटन की दर, वो चीज भी आएंगे जहां पर अपन ने ऊपर लिखा था इस समीकरण के लिखा था वैसा का वैसा इसके लिए भी लिखेंगे, लेकिन लैंग्वेज लिख रहे हैं ए के विघटन की दर ये बराबर होगी किसके। अब आते हैं दूसरा अभिकारक, ठीक है दूसरा अभिकारक चिन्ह भी ध्यान रखना है माइनस का होगा, वो अपन जब समीकरण लिखेंगे तो वहां पर ले आएंगे। ए के विघटन की दर बराबर होगी किसके, एक बटा बी। बी भी क्या है, अभिकारक, अभिकारक भी टूटता है तो अभिकारक टूटता है तो अभिकारक के विघटन की क्या हो जाएगी दर, अभिकारक कौन सा है बी, तो बी के विघटन की दर ये किसके बराबर होती है, अपन जानते हैं अभिकारक की घटती सांद्रता उत्पाद की क्या हो किसके बराबर होती है, बढ़ती सांद्रता के बराबर होती है। तो उत्पाद कौन सा है आपका सी है, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक भाग में आ जाएगा एक बटा सी और क्या हो जाएगा सी है। उत्पाद क्या होता है, बनता है, यानी कि जैसे जैसे अभिकारक टूटता है वैसे क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो यहां पर यह जो विघटन की दर हुई है वहां पर उत्पाद की क्या हो जाएगी, बनने की दर, तो सी के बनने की दर ये किसके बराबर होगी आपकी, एक बटा। दूसरा उत्पाद कौन सा है डी, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कहां पर आ जाएगा भाग में, तो एक बटा डी और क्या हो जाएगा डी के बनने की दर, डी के बनने की दर। तो इस प्रकार से अपन ने ये जो है अपनी अपनी यहां पर जो इसके अनुसार है बनने की दर, क्यों ये न्यूमेरिकल करेंगे तो इसलिए ये लैंग्वेज लिखिए, सीधा समीकरण भी लिख सकते हो लेकिन अपन ने समझने के लिए ये लैंग्वेज लिखिए। अब देखो इसके आधार पर जो है अपन ने इसके लिए जो समीकरण लिखा था वैसा का वैसा इनके लिए समीकरण लिखते हैं तो वो क्या बनेगा, इसको मिटा रहा हूं। तो देखो अभिक्रिया वेग क्या है, आर बराबर या यहां पर लिख सकते हो अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग बराबर एक बटा ए, एक बटा ए, ठीक है एक बटा ए हो गया। अब ए के विघटन की दर, ए की घटती सांद्रता है तो यहां पर क्या लिखेंगे, डी ए अपॉन का क्या होगा
डी टी आगे चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, क्यों अभिकारक है उसकी घटती सांद्रता है, तो क्या हो जाएगा एक बटा ए, ए के विघटन किधर, तो डी ए अपॉन का डी टी आगे चिन्ह किसका आ गया, माइनस का, बराबर किसके होगा, माइनस का एक बटा बी, क्यों ये भी अभिकारक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा डी बी अपॉन का डी टी, ये बराबर होगा किसके, उत्पाद के बनने की दर, उत्पाद क्या हो जाएगा एक बटा सी, और क्या होगा डी सी अपॉन का डी टी, यहां पर चिन्ह आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्यों उत्पाद बनता है, बनने के लिए प्लस का चिन्ह देगा, बराबर होगा किसके एक बटा डी, और क्या हो जाएगा आपका डी अपॉन का डी टी। इस प्रकार से अपन ने इस जब स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समान नहीं हो तो उस स्थिति में अपन ने ये जो समीकरण है उसके लिए जो है आपका अभिक्रिया वेग, और ये अभिक्रिया वेग हो गया और ये इनके हो गए सारे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है उनमें आपका संबंध। अब देखो आते हैं इनके कुछ एग्जांपल पे जिनके लिए अपन अभिक्रिया वेग अपने पास में जो है अभिक्रिया दे रखी होगी उनके लिए इस प्रकार के समीकरण अपने को दर्शाने हैं। तो अपन आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो आपके पास में एग्जांपल दे रखे हैं, इन एग्जांपल के लिए अपन क्या करते हैं अभिक्रिया वेग और इनके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है उनके अभिक्रिया वेग का समीकरण अपने को प्राप्त करना है, सांद्रता के रूप अभिकारक की घटती सांद्रता और उत्पाद की बढ़ती सांद्रता के रूप में इनको अपने को बताना है। तो सबसे पहले अभिक्रिया है PCl5 से PCl3 प्लस का Cl2, तो अभिक्रिया वेग इसके लिए जो आपका अभिक्रिया वेग है उसका समीकरण, तो अभिक्रिया वेग आर बराबर, ठीक है। अब अभिक्रिया वेग R बराबर अपन क्या लिखेंगे, इसकी जो है आपकी क्या हो, ये आपका अभिकारक है और ये क्या है उत्पाद है, तो अभिकारक की क्या होगी, यहाँ पर समीकरण आपको जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक देखो कहीं पर दे नहीं रखा है, यहाँ पर भी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक नहीं है, इससे भी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक नहीं है, यहाँ पर भी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक नहीं है, इसका मतलब है पहले वाली कंडीशन होगी सारे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समान है, तो उस स्थिति में अपने को स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग देने की कोई जरूरत नहीं, सीधा अपन समीकरण लिखते हैं, तो सीधा अपना समीकरण क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर जो है सारे बराबर होंगे आपस में, तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी पी सी एल फाइव अपॉन का क्या हो जाएगा डी टी, इसके आगे चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक है। इसको मैंने बड़े कोष्ठक इस प्रकार इसको इस प्रकार से ले लिया, ये क्यों ये जो है बड़ा कोष्ठक है ये किसको बताता है, जो अभिकारक है उसकी सांद्रता को, अब इस अभिकारक की घटती सांद्रता, माइनस का चिन्ह लगे आप, बराबर होगा उत्पाद की बढ़ती सांद्रता, ये दोनों जो है उत्पाद है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा डी पी सी एल थ्री, ये उत्पाद है, उत्पाद की सांद्रता के लिए बड़ा कोष्ठक दर्शा दिया और सांद्रता के लिए इसको इसमें दर्शा दिया, अपॉन का डी टी, ये बराबर हो जाएगा और ये बराबर होगा, ये एक उत्पाद वो है, दूसरा उत्पाद आपका क्या हो जाएगा डी सी एल टू अपॉन का क्या हो जाएगा डी टी, ये तीनों आपस में क्या होंगे बराबर। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग का समीकरण है अपने को इस प्रकार से यहाँ पर ये प्राप्त हो जाता है, जिसमें आपका अभिकारक की घटती सांद्रता PCl5 अभिकारक है इसके लिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया, उत्पाद की बढ़ती सांद्रता उत्पाद कौन है PCl3 प्लस का Cl2, तो dPCl3 अपॉन का dt, बड़ा कोष्ठक लगाओ नहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि अच्छे से ही लगे उसके लिए लगा दिया जाता है। फिर आते हैं अपन इस पे n2 plus 3s2 से 2ns3, अब देखो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक आपके अलग-अलग हो गए, इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 1 है, इसका 3 है, इसका कितना है 2 है, तो इस स्थिति में अभिक्रिया वेग का समीकरण r बराबर, ठीक है, r बराबर क्या प्राप्त होगा, ये आपके अभिकारक है दोनों, ये आपका क्या है उत्पाद, अभिकारक की घटती सांद्रता उत्पाद के बढ़ती सांद्रता, अब न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो वो भी लिखा जाता है 1 बटा 2 N2 के विघटन की दर, एक बटा जो है आपका जो भी है S2 के विघटन की दर, यानी कि जो अभिकारक है उनके विघटन की दर लिख देते हैं, उत्पाद के बनने की दर, ये लैंग्वेज लिखी जाती है, फिर आपका ये इस प्रकार से जो है समीकरण बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप जो है सीधा लिख सकते हो विघटन की दर भी दर्शा सकते हो या सीधा लिख सकते हो, तो अपने यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का डी एन टू अपॉन का डी टी, ठीक है, इसको बड़े कोष्ठक में दर्शा दिया प्रकार से, ये कोष्टक में दर्शा देते हैं, ये बड़ा कोष्टक, ये तो ये बड़ा कोष्टक है, यहाँ पर बड़ा कोष्टक के रूप में नहीं, ये सांद्रता को बताता है यहाँ पर जो ये बड़ा कोष्टक है,
ठीक है, ये भी यहां पर ऐसे लगाओ तो जो है लगा भी सकते हो, और नहीं भी लगाओ तो गलत नहीं माना जाएगा, यहां पर भी कर सकते हो, डेल्टा भी दर्शा सकते हो। ये अपन जैसे जैसे पार्ट में आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल आएंगे तो वहां पर और अच्छी तरीके से समझ में आता रहेगा, बराबर होगा। ये भी अभिकारक है, घटती सांद्रता होगी, ये भी अभिकारक है, यहां पर देखो स्टोइकोमेट्री गुणांक एक है तो एक बटा एक करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर स्टोइकोमेट्री गुणांक को भाग में लेने की जरूरत नहीं, इसका स्टोइकोमेट्री गुणांक कितना है तीन है तो इसको भाग में लेना पड़ेगा, तो एक बटा तीन मैंने बाहर ले लिया और अंदर क्या लिख दिया डी एच टू अपॉन का क्या लिख देंगे डी टी, ठीक है, ये बराबर है, बराबर का मतलब इसके बराबर है। ये हो गई आपके अभिकारक की घटती सांद्रता, N2 है स्टोइकोमेट्री गुणांक इसका एक है तो एक बटा एक करेंगे कोई फर्क नहीं हुआ, दर्शाने की जरूरत नहीं है। दूसरा अभिकारक कौन है H2, तो H2 है तो DH2 अपॉन का DT माइनस का चिन्ह, क्यों अभिकारक की घटती सांद्रता होती है, स्टोइकोमेट्री गुणांक कहां पर आ गया भाग में। अब ये उत्पाद है तो उत्पाद के बनने की दर होती है, तो उत्पाद का स्टोइकोमेट्री गुणांक कितना है दो है तो क्या लिखेंगे एक बटा दो NH3 के बनने की दर, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे डी एन एच थ्री अपॉन का क्या हो जाएगा डी टी। ये तीनों के तीनों हैं वो आपके आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है, ये जो है डी एन टू ये तीनों आपस में क्या होते हैं बराबर, अभिकारक की घटती सांद्रता उत्पाद की बढ़ती सांद्रता, ये हो गया इस अभिक्रिया के लिए वेग का समीकरण। और ये वाला है वो आपके लिए जो है कुछ स्टूडेंट ने ये बताया था, ये भी दिया था आपको होमवर्क के रूप में, तो इसको भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर इसको सही तरीके से सभी स्टूडेंट का सही होना चाहिए, पहले भी ये उदाहरण दिया है, आज इस टॉपिक को विस्तार से करवाया है, तो ये जो आपका जो हालांकि दो तीन दिनों ने ये सही भी लिख दिया लेकिन जो है आज टॉपिक आपको ये पूरा विस्तार से करा दिया है, तो इसका आंसर है सभी का राइट चाहिए, तो वो सारा इस जो आपका प्रश्न दिया है इसका जो भी आपका वेग का समीकरण जो प्राप्त होता है वो आपका जो है आपको स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप के जो नंबर दे रखे हैं वहां पर जाकर के इसका आंसर आपको सभी को देना है। तो आज की वीडियो में आपका इतना ही रहेगा, बाकी की जो चर्चा है इसके आधार पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं उसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक ये यानी कि ये तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट था, अब इसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इस टॉपिक को और भी अपन आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।